दीक्षा लिया था उसके पहले मैं नॉनवेज खाता था शराब भी पिया था मैंने दीक्षा लिया बाद में, में मेरा परिवर्तन इतना परिवर्तन हो गया कि पूछो मत मैं तो बीजेपी भी में 25 साल से सक्रिय कार तो मैं मोदी साहब को भी सब नेताओं को भी बोलता है हमारे बापू जी जो से और बापू जी को जो फंसाया गया है एक कांग्रेस ने फंसाया है सोनिया ने फंसाया है ये बहुत बड़ा षडयंत्र है उसमें बहुत राजकारण का भी हाथ है सुभाष भाई पाटिल कहाँ से आते हैं पांडे पांडेसरा से आज यहाँ किस लिए आना हुँ? मैं गुरु पूनम के दर्शन के लिए आया हूँ सालों से जुड़े मैं हुए 1996 से लिया था छियानवे से, से जुड़े हो आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंदे क्या कहोगे उसके विषय सब षड्यंत्र किया गया है कौन करेगा षड्यंत्र षड्यंत्र करने वाले ने क्या है कल की बात सुना कल न्यूज पे बीजेपी का नेता को फसाया गया कल वैसा सही बापू जी को फंसाया गया षडयंत्र किया गया मतलब आज भी आसाराम जी बापू को निर्दोष मान निर्दोष है मैं तो बीजेपी भी में पच्चीस साल से सक्रिय कार गया तो मैं मोदी साहब को भी सब नेताओं को भी बोलता है कि हमारा बापू जी निर्दोष है गलत क्या है लाखों करोड़ों साधक सत्संग में आते थे क्यों आते थे काय के लिए आते थे मैं पहले नाइन्टी सिक्स से पहले बड़ौड़ा में नौकरी करता था मैं नाइनटी सिक्स तो नाइनटीन नाइनटी उन्नीस सौ आठ में प्लान बंद हो गए पूरी कंपनी बंद हो गई मैं दीक्षा लिया था उसके पहले मैं नॉन वेज खाता था शराब भी पिया था मैंने दीक्षा लिया बाद में, में मेरा परिवर्तन इतना परिवर्तन हो गया कि पूछो मत बरोड़ा रियान जब बंद हुई मेरे कर्मचारी सब दोस्तार लोग बोलते हैं पाटिल तू कैसा अच्छा रहता है मेरे को गुरु कृपा है अभी उसको कोई लखवा हो गया कोई मर गए अभी पौने चार हजार कर्मचारी थे अभी कम से कम ढाई हजार लोग बचे तो बचने का कारण है कि जो कर्म किया है जो गुरु किया है तो मैंने अगर गुरुजी ने कहा था मैं भी चले जाता हूँ कि गुरु कृपा तो है और बापू जी सत्य है जो कितने भी हम लोग बापू जी निकलेंगे बाहर मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं हमें कमी और बढ़ रहे साधक और हमने पांडे सरा सेवा समिति में अठारह साल से सेवा करते हो हम लोग हवा बाबू जी हमको हमारी समिति को पांडे सराय की समिति बहुत बड़ी समिति है हमारी यूपी निवासी है उड़ीसा निवासी है महाराष्ट्र ने गुजरात है हमारी समिति चलती है हमको बाबू जी कायम सत्संग में बोलते थे कि पांडे सरा वाले आप जाओ हवा डांग में जाओ धर्मपुर में जाओ मैं खुद ऋषि प्रसाद की सेवा करता था दौड़ दो दौड़ के झोपड़े पर आवा डांग में क्या काम करते आवा डांग में हम लोग भंडारा करते थे बापू जी क्या बोलते थे कि क्रिश्चियन मिशनरी चल रही है बेटा सब तुम जाओ वहाँ जो आदिवासी प्रजा है वो बस बिगड़ रही है और बापू जी को जो फंसाया गया है एक कांग्रेस ने फंसा है और सोनिया ने फंसाया उसको बापू उनको फंसाने का कारण क्या ये जो अगर बापू जी विश्व विश्व गुरु बनने वाले थे तो अगर विश्व में गुरु थे तो बाहर के लोग भी विचार करते हैं कि अपना धंधा बंद हो जाएगा बिजनेस बंद हो जाएगा गुरु जी अगर रह गए तो उनको फंसाओ बापू जी एक बार यहाँ बोले थे भी एक दिन मैं जाऊँगा मैं फंसने वाला हूँ बापू जी ने, बोला ने, ने पहले से ही भविष्यवाणी कर करते बापू जी बोल के गए बोलते थे भी सत्संग में एक दिन फंसने वाला हूँ और बापू जी को फंसाया गया है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसमें बहुत राजकारण का भी हाथ है मैं तो बीजेपी में सक्रिय कार्य करता हूँ अट्ठाईस साल से लेकिन गलत क्या है मोदी जी को बोलता हूँ साहब छोड़ो उनको बापू जी निकलेंगे अभी कोर्ट में भी अपील है ना बापू जी निर्दोष निकलेंगे 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 मतलब भक्तों का दिल बोल दिल रहा है पक्का, पक्का बापू बाहर पक्का, पक्का पक्का बापू जी अभी बोल भी रहे हैं कि संकल्प करो एक साथ जो स्वाध्याय परिवार वाले दोनों टाइम प्रार्थना करते हैं ऐसा अपन भी संकल्प करो सुबह में सात इक्कीस से सात सोच तक ओम बापू ओम बापू बाहर जल्दी आओ ये मंत्र जपो शाम को सात पिस्तालीस से आठ तक ये बापू जी ने संकल्प लिया बापू बोलते इतना करो हमें निकलूंगा बाहर ऑटोमेटिक आ जाएंगे भाई पांडेसरा समिति से आते हैं इन्होंने जो आहुआ डांग की बात की हमने आपको मंदिर भी दिखाया था आपने धर्म आहुआ डांग में मंदिर बनाया था वहाँ हम गए थे वहाँ के आदिवासियों से भी हमने बात की थी इन्होंने जो कन्वर्जन की बात की तो वहाँ मंदिर में गए थे वहाँ आजू बाजू के लोगों से हम मिले गांव वालों का भी वही कहना था कि गांव के अंदर दो से तीन चर्च बने हुए हैं तो वहाँ धर दर... पांडेसरा समिति ने जाके शंकर भगवान का वहाँ मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान का वहाँ मंदिर बना है बोले आसाराम जी बापू के भक्तों ने यहाँ आके जो ईसाई लोग थे उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट किया था मतलब ईसाई बनाया था तो फिर से बापू के भक्तों ने वहाँ जाके वो ईसाई में से फिर से उनको हिंदू धर्म में वापस लाए इसी वजह से आसाराम जी बापू को फंसाया भक्तों तो भक्तों का तो ये कहना ही है लेकिन हिंदूवादी संगठन का भी यही कहना है कि आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा इसी वजह से मिली षडयंत्र के कारण और लगातार भक्त लोग सरकार से प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए कैमरा मैन के साथ नीलेष ठक्कर संत आसाराम जी बापू आश्रम जहागीरपुरा सूरत से रफ्तान न्यूज